हेलो गाइस, मैं हूँ गुरमित और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रीति आर्टवर्क में। तो आज का मेरा पेंटिंग का टॉपिक है होलिका दहन। सबसे पहले हमें पेंसिल की हेल्प से बेसिक लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। बेसिक लाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब मैं कर रही हूँ कलर। तो अब आते हैं मटेरियल पे। मैं स्केचबुक यूज़ कर रही हूँ अनुपम स्टेशनरी से। इस स्केचबुक का नाम है ऑक्सफर्ड स्लेट स्केचबुक। मैं कलर यूज़ कर रही हूँ कैमल कंपनी का आर्टिस्ट वाटर कलर, और मैं ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ फैबर कासल के, और मैं कंटेनर यूज़ कर रही हूँ वाटर के लिए। स्लेट स्केचबुक बेसिकली एक्रेलिक कलर के लिए है, बट मैंने इस पे फर्स्ट टाइम वाटर कलर ट्राई किया है। इस पेपर पे अगर आप वाइट कलर करेंगे तो इजीली अप्लाई हो जाएगा, एक कोड में ही आपको अच्छा कलर मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि अदर कलर यूज़ करें तो आपको 3-4 कोड करना पड़ेगा, या तो फिर आप वाइट अगर मिक्स करके करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा। फायर लुक देने के लिए सबसे पहले हमें रेड अप्लाई करना है, उसके बाद हल्का ऑरेंज करेंगे, फिर गोल्डन येलो करेंगे और लास्ट में वाइट। स्टोन्स बनाने के लिए मैं 3 कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। स्टोन्स का स्टार्टिंग साइड हम लाइट कलर करेंगे और जो नीचे साइड है वो थोड़ा डार्क करेंगे। फायर का जो स्टार्टिंग साइड होता है वहाँ पे बहुत रोशनी होती है, इसलिए वहाँ पे हम लोग गोल्डन येलो और वाइट कलर अप्लाई करेंगे और कोई कलर वहाँ पे नहीं करेंगे, ताकि रोशनी अच्छे से दिख सके। अगर आप इस स्केचबुक का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। कभी कोई डार्क प्लेस पे जब हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं तो जब लकड़ियाँ ऑलमोस्ट जल चुकी होती हैं तो वो थोड़ी रेड रेड हो जाती हैं, तो इन लकड़ियों को जो अपर साइड है वहाँ पे हम रेड अप्लाई करेंगे कलर, और नीचे ब्लैक ही रहने देंगे। लास्ट लुक ऐसा दिखेगा। अगर आप बनाएंगे इस आर्टवर्क को तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसे शेयर करिएगा। मेरे आर्ट के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।